नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के जिला दतिया भांडेर ब्लॉक में प्राइवेट स्कूल वालों ने शिक्षा विभाग पर लगाए गंभीर आरोप, जिसमें सबसे पहला आरोप शिक्षा विभाग द्वारा भद्रावती स्कूल में सेंटर करना और भद्रावती स्कूल का स्टाफ परीक्षा के समय में आवागमन होना और नया जीवन मिशन स्कूल के संचालक द्वारा ये सभी आरोपों को लिखित रूप से फादर द्वारा CS केंद्राध्यक्ष पर रुपए मांगने का आरोप लगाया है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और बात मीडिया तक पहुंची। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्वक भांडेर ब्लॉक में संपन्न हुई। अभी जो भी परीक्षा चल रही है वह कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, जिसमें एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं प्राइवेट स्कूल संचालक। नया जीवन स्कूल के संचालक ने मीडिया से वार्तालाप करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और अब देखने वाली बात यह है कि इस बार दतिया कलेक्टर एवं दतिया शिक्षा विभाग क्या एक्शन लेता है आगे चल के। जब अभी तो पहला एग्जाम दे रहे हैं, आगे चल के उनको तो 4 एग्जाम और बोर्ड के देना है, तो उन्हें तो ये आशा रहेगी कि अन्य स्कूल में भी हमें नकल मिलेगी, आगे में बच्चे पढ़ेंगे नहीं सर। दोस्तों, आज हमारे सामने आप देख रहे हैं ये भद्रावती इंटरनेशनल स्कूल प्राइवेट स्कूल है और यहाँ वह 200 से 250 की सेटिंग व्यवस्था है। अभी हमने भांडेर के BRC महोदय पुरुषोत्तम पाठक जी से जब फोन के माध्यम से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे व्यवस्था ना होने की वजह से प्राइवेट स्कूल में ये सेंटर किया गया है। भांडेर में 4 सेंटर हैं, जिसमें से एक ये भी सेंटर है, पीछे आप देख रहे हैं दूसरा सरस्वती विद्या मंदिर है, कन्या भी है और गाँव में भी सेंटर बने हुए हैं जो सरकारी सेंटर हैं। अब देखना यह है कि यहाँ पे अभी और भी संचालक खड़े हुए हैं आप विद्यालय के, वो बाहर खड़े हुए हैं, ताला भी लग गया है और यहाँ पे क्या व्यवस्था है। यहाँ पे अभी तक हमें 9 बजे से 12 बजे तक पेपर होना है, यहाँ पे कोई भी पुलिस की व्यवस्था नहीं है अभी इस टाइम पे। ये क्या है, सेंटर के बारे में हमको जानकारी मिला तब मैंने जो पाया गया हमारे स्कूल में सेंटर नहीं है। बाकी हायर सेकेंडरी स्कूल भांडेर में टोटल 4 है, उस बाकी 3 को सेंटर दिया है, लेकिन हमारा स्कूल के लिए सेंटर इनने नहीं दिया है। इसलिए मैंने जो शिकायत है उसको लेकर BRC महोदय के पास गया था। तब BRC महोदय में वहाँ ऑफिस में बैठे हुए राघवेंद्र यादव, उनने हमको बदतमीज से वो व्यवहार किया और कोई भी बुजुर्ग का सम्मान भी उनने देना इनकार कर दिया। इसलिए मैं वहां से उदास होकर आ गया था। मैं और हमारे साथ मिस्टर जा सर भी साथ में थे, ऐसा इनने किया है। अच्छा। इसलिए उसमें जो हमने आवेदन लिख के दिया है, 3 भांडेर में 4 स्कूल हैं, उसमें 3 स्कूल को सेंडर दिया गया है, लेकिन 34 स्कूल हमारे स्कूल को सेंडर इसलिए नहीं दिया कि हम तो माइनॉरिटी में हैं। अच्छा। इसके चलते जो सेंडर नहीं दिया गया है और इसी शिकायत को मैंने BRC महोदय और DO साहब के सारी सबको मैंने भेजा हूँ, हाथ में भी दिया। ये कहीं नकल की संभावना अभी लग रही है क्या आपको? अभी क्या है, मैंने वीडियो भेजा हूँ, कलेक्टर साहब को भी भेजा हूँ और जो BRC महोदय को भी भेजा हूँ। वहाँ से जो इस स्कूल में भद्रावती स्कूल में सेंडर और 10 स्कूलों को दिया गया है, लेकिन जो भद्रावती स्कूल के टीचर उसी के अंदर रहते हुए बच्चों को जो उनकी स्कूल के बच्चों को पर्ची लिख के नकल बच्चों को हर कमरे में वो पिछले शनिवार के दिन का एग्जाम में दिए थे, वो बच्चे हमको जानकारी दिया था, उसके अंतर्गत मैं आज वहाँ गया था, तब वही सीन वहां में पाया गया। हमको ऑफिस में बैठाया था लेकिन उनके टीचर साहब वो क्लास में वहां पर्ची देने की तैयारी में थे, इसलिए मैं उसको शिकायत करने हेतु कलेक्टर साहब को शिकायत किया। तब शायद वहां से कोई आया हो, कोई कहां से भी आया हो, तब वहां से जांच करने के लिए आए थे। उसके पहले जो भद्रावती के टीचर वहां से बाहर आते हुए मैं वीडियो लेकर आपके सम्मुख में प्रस्तुत किया। अच्छा, कहीं ये जो गवर्नमेंट टीचर की ड्यूटी लगी है उन्होंने किसी ने आपको ऑफर दिया था कि आप मुझे पैसे दो और मैं नौकरी यानी नकल कराऊंगा? वहाँ जो CS है संजय अग्रवाल,
जी, उन्होंने हमको जो एग्जाम स्टार्ट होने के एक दिन के पहले मीटिंग में बुलाया था। तब हमको ये बताया गया था, आप तो दो प्रकार के एग्जाम होने वाला है, एक तो साधारण एग्जाम हो रही है उसमें अपने आप बच्चे लिखेंगे, दूसरा पैसा एक बच्चों के लिए 100 रुपया के हिसाब से जमा करेंगे तो आपके बच्चों को नकल किया जाएगा, करवाया जाएगा। मैंने बोला साहब हमारे बच्चों को आप नकल नहीं करवाना है, हमारे बच्चों को जरूरत नहीं है। इसलिए उनने जो एग्जाम में शनिवार के एग्जाम में जो उनके भद्रावती स्कूल का बच्चों को कॉपी करवाने का जो व्यवस्था किया और जो पर्ची जो पानी पीने पिलाने का मौके पर वो पानी के साथ पर्ची भी ले गया बच्चों को, उनके क्लास के बच्चों को जो उन्होंने वितरण किया और नकल करवाया। उस बात को हमारे स्कूल के बच्चे, उसी हाल में बैठने वाले स्कूल के बच्चे आके हमको बताया था, इसलिए मैं आज इस प्रकार का एक्शन लिया हूँ। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ना हमारा कोई किसी से कॉन्टेक्ट है। हमें तो बाद में जानकारी मिली कि हमारे स्कूल में सेंटर हुआ है, तो सूचना आई बीआरसी महोदय की, तो हमने जो भी व्यवस्थाएं थी हमारे द्वारा जितना भी हो सका हमने वो फुलफिल करा। अपने यहाँ सिटिंग की कितनी व्यवस्था है सर, कितने बच्चे बैठ सकते हैं साहब? 400। आप विद्यालय कब से संचालित कर रहे हैं? हमें लगभग 14 साल हो गया इसमें, 12 स्कूलों के सेंटर है इसमें। सर सर आपका क्या नाम है और ये कौन सा स्कूल है और किस क्लास की परीक्षाएं हो रही हैं? कक्षा 5 और 8 की परीक्षाएं हो रही हैं और ये भद्रावती इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है और इसमें 313 बच्चों का जो है सेंटर है, जिसमें 168 बच्चे जो है अपने प्राइमरी के हैं और 145 बच्चे मिडिल के, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम के बच्चों का इसमें सेंटर है। तो जी आप ये बताएं कि ये आप कहाँ से सीएस बन के आए हैं? हमें सर लेटर दिया था दतिया से बनाया था, ऑफिस से, डी ऑफिस से, जहाँ से ड्यूटी लगती है वहीं से। सब नाम क्या? श्री संजीव सिंह। तो इसमें सरकारी स्कूलों के भी सेंटर हैं क्या? सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों के सेंटर हैं, सरकारी का केवल एक स्कूल है बॉयज संकट में, बाकी की सारे प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल के नाम नया जीवन पब्लिक स्कूल, सरदार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और ये जो अपना भद्रावती इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और अपना ये सैफरो है इंग्लिश मीडियम स्कूल और हमारे पास फाइल है उसमें। इसमें जो ड्यूटी लगी हुई है वो सरकारी टीचरों की लगी है कि प्राइवेटों की? सारे सरकारी टीचर हैं, कोई भी प्राइवेट टीचर नहीं। प्राइवेट टीचर जो अंदर देखे जा रहे हैं वो क्या? नहीं, प्राइवेट टीचर नहीं देखे जा रहे हैं स्कूल के, नहीं है प्राइवेट टीचर। और इस स्कूल का भद्रावती का सेंटर भी इसी में है क्या? हाँ, भद्रावती का भी सेंटर इसी, और भद्रावती स्कूल है। हाँ,